वेलकम टू अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम लोग पढ़ेंगे NCERT गणित कक्षा 10 की 6.1 यानी 6. प्रश्नावली जो 6.1 है उसको आज हम लोग शुरू करेंगे, मतलब पढ़ेंगे, और उसका जो है तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। सॉरी 6.1 नहीं बल्कि 6.2 है, एक हम पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, तो 6.2 आज हम लोगों को पढ़ना है। तो इसका पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है आकृति 1 तथा 2 में DE समांतर BC है। देखिए DE और समांतर BC, ये BC है और ये DE है, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। यहाँ भी देखिए दूसरे में DE समांतर BC है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, क्या पता करना है, ये हमको देखना है। देखिए इसमें हमको पता करना, देखिए पहली आकृति यही है, इसमें हमको पता करना है EC का मतलब ये, और दूसरे में पता करना है AD का मतलब हो गया AD ज्ञात कीजिए। इसमें जो है हमको AD पता करना है, मतलब ये वाली रेखा हमको पता करना है, AD ये हमको पता करना है। तो देखिए अगर हम इसके पहले बताए जो दो समरूप त्रिभुज रहते हैं उनके कोणों की माप जो होती है वो बराबर होती है। समरूप तभी होगा जब कोणों की माप सब बराबर होंगी। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये समरूप है कि नहीं। तो त्रिभुज हमारा जो बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ADE और दूसरा बन रहा है ABC, दो त्रिभुज हैं पहले में। तो ये देखते हैं, देखिए ये कोण, ये कोण, ये कोण, तो आप लोगों ने दो त्रिभुज देखा। इसी टाइप से इसमें भी है, देखिए ये कोण, ये कोण, इसमें देखिए एक त्रिभुज है ABC और दूसरा है ADE, क्योंकि ये रेखाएं यानी DE और BC समांतर है, इसलिए ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर होगा, और ये कोण दोनों में है, मतलब त्रिभुज ADE में भी ये कोण है और ABC में भी ये कोण है। तो दोनों ऑलरेडी दे ही दिया गया है, आकृति 1 और 2 समांतर हैं, 2 में DE और BC समांतर, मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर, अगर समांतर हैं तो दोनों त्रिभुज जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो देखिए इनको कैसे हम हल करते हैं, तो पहला वाला देखते हैं पहले। देखिए इसमें जो है दिया ही गया है DE समांतर BC, DE समांतर BC, तो DE समांतर BC ये दिया गया है। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो हम इस टाइप से इसको लिख सकते हैं, यानी AD बटा BD, यानी तब AD बटा AD मतलब ये बटा BD, ये बटा ये BD बराबर AE बटा EC। यही हमको फार्मूला, समझ लीजिए एक तरीके से याद रखना है कि अगर दो त्रिभुज समांतर हैं तो एक त्रिभुज की पहली रेखा और दूसरे की, इस टाइप से हम बटा करके लिखेंगे और बीच में बराबर का निशान लगा देंगे। अब देखिए सबका मान रख देते हैं, AD का मान कितना है 1.5 बटा BD का मान 3 बराबर AE का मान 1 है और EC का मान हमको पता करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब तिरछा गुणा करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1.5 EC बराबर 3 × 3 या EC बराबर 3/1.5 काट देते हैं तो कितना आ जाएगा 2, यानी EC की माप कितनी निकल आई 2 सेंटीमीटर। तो उत्तर आपका हो गया आंसर बराबर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर माप आपका निकल आया। चलिए अब अगला क्वेश्चन इसी तरीके से उसको भी हमें हल करना है, इसमें भी आपको इसी तरीके से लिखना है AD बटा BD बराबर AE बटा EC। अब मान रख देते हैं, देखिए क्योंकि इसमें भी क्या है, वही है BD समांतर BE है, तो जब दो समांतर रेखाएं होगी दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे,
समरूप हो जाएंगे, और समरूपता का यही नियम है। तो एडी, एडी का मतलब हमको पता नहीं, तो एडी लिखते हैं, बटा बीडी, बीडी आप देख रहे हैं 7.2 बराबर एई 1.0 कितना है 8 है, बटा ईसी 5.4 काट सकते हैं, 18 3 54 होता है, तो 1/3 हो जाएगा, एक एक अंक पे दशमलव दशमलव खत्म हो जाएगा। फिर देखिए अब इसका गुणा इसमें इसका, यानी 3AD बराबर 7.2 गुणा 1 से करेंगे उतना ही होगा, या AD बराबर 7.2/3, तो 3 × 6 = 7 × 3 = 12 यानी AD बराबर आपका निकल आया 2.4, ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा होगा। अगर समरूपता का नियम लगता है, समरूप है दो त्रिभुज, और तो हमारा यही फार्मूला लगेगा, यही बटा वाला फार्मूला, इतना ही हमको देखना है। अगर दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं, समरूप हैं पहले हमको ये देख लेना समरूप है कि नहीं है, अगर दिया है समरूप है तो ठीक है, नहीं दिया है तब भी हमें देखना है समरूप है कि नहीं है। तो समरूपता के लिए अगर तीनों कोण त्रिभुज के बराबर हैं आपस में, त्रिभुज कितना भी बड़ा और छोटा क्यों ना हो, पर अगर तीनों कोण बराबर हैं आपस में, दोनों त्रिभुज के तीनों कोण अगर बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा, समरूप हो जाएगा तो हमारा ये नियम फॉलो करने लगेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 का पहला देखिए, प्रश्न नंबर 2 पहले देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 आप लोग बुक से पढ़ लेना, 2 का एक सवाल हमने दिया है, तो प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थित के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। मतलब हमको ये सिद्ध करना है कि क्या ये रेखा इस रेखा के समांतर है। तो देखिए इस इतना बटा इतना करते हैं और इतना बटा इतना करते हैं, अगर दोनों का मान समान आ जाता है, बराबर आ जाता है, दोनों का मान क्या आता है, बराबर आ जाता है, तो ये मान लेते हैं कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। बराबर तभी आएगा जब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर रहेंगी, तभी इसका मान आपस में बराबर आएगा, यानी PQ/EQ बराबर PF/FR अगर ऐसा आता है तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, अगर नहीं आता है तो नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, यानी PQ/PE/EQ बराबर PF/FR ये देखिए अब बराबर होता है कि नहीं होता, तो चलिए देखते हैं, 3.9/3 ये हो गया इसका मान, और इसका मान 3.6/2.4 अब देखिए काटते हैं हम यहाँ से, देख लीजिए आगे इसको काटेंगे तो आएगा कितना, 3 × 3 इतना हो गया, बराबर इसको देखिए 12 × 3 = 36 और 12 × 2 = 24 इतना हो गया। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या बराबर हैं, यानी 1.3 बराबर नहीं है 3/2 के, अगर बराबर नहीं है तो ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं हैं, यानी EF भुजा QR के समांतर नहीं है, अतः EF मतलब ये EF समांतर नहीं है नहीं है, किसके समांतर नहीं है, EF समांतर नहीं है OR के, QR के समांतर नहीं, मतलब ये रेखा EF जो है QR के समांतर नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों का मान हमारा अलग अलग आ रहा है, यहाँ देखिए 1.3 आ गया, यहाँ आ गया 3/2, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इनको बराबर आना चाहिए, अगर बराबर आते हैं तो समझ लीजिए सही है समांतर है, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं है। तो चलिए अब इसका सेकंड सवाल देख लेते हैं, यानी प्रश्न नंबर 2 का दूसरा सवाल, इसमें देखिए दिया है माप PE4
पीई बराबर 4, क्यू ई बराबर 4.5, क्यू ई 4.5, क्यू ई 4.5, पीएफ 8, पीएफ बराबर 8 और आरएफ बराबर 9। ये सब दिया गया है इतना, तो इसका पहले त्रिभुज खींच लेते हैं हम। हाँ, तो देखिए ये फिगर है आपका इस टाइप से। अभी यहाँ भी वही हमको सिद्ध करना है, यानी पी ई बटा ई क्यू बराबर होना चाहिए पी एफ बटा एफ आर के। तो देखिए बराबर है कि नहीं है, तो 4/4.5 हो जाएगा, 4/4.5 बराबर ये 8/ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8/9। अब इसको हम सरल करते हैं। देखिए यहाँ पे दशमलव है, अगर दशमलव हटाना चाहें तो यहाँ पे हमें 0 बढ़ाना होगा, ये हो जाएगा आपका 40/45 बराबर 8/9। इधर देख लेते हैं अब, तो काट देते हैं यहाँ पे, देखिए 8 × 5 = 40 और 5 × 9 = 45। देखिए इसका भी मान 8/9 आ गया, बराबर 8/9 इसका भी मान आया है, यहाँ तो है ही। अब देख रहे हैं दोनों क्या है, दोनों का मान बराबर है ना, अगर बराबर है तो क्या है, समांतर हैं। अतः ई एफ समांतर क्यू आर के, तो ये आपका क्या हो गया, समांतर है, यानी दोनों अगर बराबर हो गए तो समांतर है। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। अगला प्रश्न देखिए तीसरा, इसमें दो रेखाएं दी गई हैं, यहाँ से यहाँ तक की एक रेखा दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की, मतलब ये रेखा जो है 2.56 है और ये रेखा 1.28 है और इसकी लंबाई देखिए आपको दी गई है। तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, इतना बटा इतना करेंगे, यानी छोटे वाले त्रिभुज की रेखा बटा बड़े वाले त्रिभुज की रेखा। तो ये आपका हो जाएगा 1.18/1.28 बराबर लिखेंगे 0.36/2.56। वही फार्मूला है, मतलब इस रेखा की लंबाई इतना है और इस बड़े वाले त्रिभुज की लंबाई कितना है, इतना है, तो इतना छोटे वाले की बटा बड़े वाले की। इसके पहले आप लोग इसका देखते थे तो इतना बटा इसका, इतना बटा इसका करते थे, तो वही चीज़ इसमें भी है। अब देखिए इसको सरल करते हैं, क्या दोनों बराबर हैं ये हमको देखना है। देखिए यहाँ पे दशमलव के इधर 2 अंक है, दशमलव के इधर 2 अंक है, तो दशमलव ख़त्म कर देते हैं। यहाँ भी देखिए दशमलव के दाईं तरफ 2 अंक, दशमलव के दाईं तरफ 2 अंक, तो ये दशमलव आपका ख़त्म, मतलब दोनों का दशमलव आपका समझ लीजिए नहीं है। इसके बाद हम हमको सरल करना है, तो काटते हैं, दो 9 = 18, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, ये हो गया। और इसको भी काट देते हैं, 4 से कटेगा, 4 × 9 = 36, 4 × 6 = 24 और 4 × 4 = 16। तो आपका देखिए 9/64 आया, 9/64 बराबर है 9/64 के। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गए ना, तो हम लिख सकते हैं बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं पी ई बटा पी क्यू बराबर पी एफ बटा पी आर, मतलब ये क्या है, ये बराबर हैं, अगर बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं, अतः ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। तो ये भी आपकी क्या हो गई, समांतर रेखा है। तो इस प्रकार आज आप लोगों ने 2 सवाल पढ़े, यानी 2 सवाल कंप्लीट किए। अब तीसरा सवाल हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, यानी तीसरा चौथा, मतलब जितने भी जो भी सवाल हैं इनको हम क्लियरली आप लोगों को अगले चैप्टर में बताएंगे, अगले वीडियो में। तो यहाँ तक आप लोग पढ़िए, नोटबुक तैयार करते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।